सब्सक्राइब कीजिए टेक मास्टर मुंशी यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को हमारे लेटेस्ट वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक मास्टर मुंशी यूट्यूब चैनल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आप यूज कर रहे हैं सैमसंग का गैलेक्सी A8 या फिर A8 प्लस, तो आपके लिए मेरे पास एक खुशखबरी है। दरअसल सैमसंग ने इन दोनों स्मार्टफोन्स के लिए एंड्रॉयड 8.0 ओरियो अपडेट जारी कर दिया है। तो आइए जानते हैं क्या खास है इस अपडेट में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मेघराज और आप देख रहे हैं टेक मास्टर मुंशी। तो चलिए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं। यो, टेक मास्टर मुंशी। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये अपडेट कंपनी ने फोटा के माध्यम से जारी किया है। अब जो लोग नहीं जानते कि ये फोटा क्या होता है, वो पहले जाकर ये वीडियो देख लें। इस वीडियो में मैंने फोटा के बारे में ऑलरेडी डिटेल में बता दिया है, इसलिए मैं फिर से उसी बात को रिपीट करके खामखा वीडियो की लंबाई नहीं बढ़ाना चाहता। खैर, गैलेक्सी A8 के लिए जो अपडेट जारी किया गया है उसका वर्जन है A530FXX2BRG1 और गैलेक्सी A8 प्लस के अपडेट का वर्जन है A730FXX2BRG1। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह अपडेट फिलहाल रूस में जारी किया गया है, लेकिन साथ ही उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और यूक्रेन में भी यह अपडेट मिलना शुरू हो गया है और सप्ताह भर बाद भारतीय यूजर्स को भी ये अपडेट मिलना शुरू हो जाएगा। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि ये अपडेट फोटा के माध्यम से मिलेगा, इसलिए सभी यूजर्स को ये एक साथ नहीं मिल पाएगा, यानी कि सभी यूजर्स तक पहुंचने में इसको थोड़ा सा वक्त लग सकता है। लेकिन कोई बात नहीं, आप अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाकर सॉफ्टवेयर अपडेट को रेगुलरली चेक करते रहिए और जब आपको ये अपडेट मिल जाए तो इसे मैन्युअली इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद आप इस अपडेट के नए फीचर्स का लाभ उठा पाएंगे। आइए एक नज़र डालते हैं इस अपडेट के खास खास फीचर्स पर। तो दोस्तों, इस अपडेट का सबसे बड़ा फायदा तो आपको ये मिलेगा कि आपका फ़ोन एंड्रॉयड 8.0 ओरियो ऑपरेटिंग सिस्टम पर अपग्रेड हो जाएगा, जिससे आपको बहुत से नए फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि नोटिफिकेशन डॉट्स, बैकग्राउंड लिमिट्स, ऐप शॉर्टकट्स, पिक्चर इन पिक्चर, 60 नए इमोजी, APK फाइल के माध्यम से ऐप को इंस्टॉल करना, कीबोर्ड नेविगेशन और भी बहुत सारे, यानी कि एंड्रॉयड 8.0 ओरियो के सारे फीचर्स को आप यूज कर पाएंगे। उसके बाद नंबर 2 है कैमरा। इस अपडेट में कैमरा ऐप को रीडिजाइन किया गया है। अगर आप पुरानी कैमरा ऐप को देख देख कर बोर हो चुके हैं तो खुश हो जाइए, क्योंकि इस अपडेट के बाद कैमरा ऐप एक नए अवतार में नजर आने वाली है। और कैमरा ऐप का सिर्फ डिजाइन ही नहीं बदला है, बल्कि पूरा का पूरा यूजर इंटरफेस भी बदल दिया गया है। अब आपके गैलेक्सी A8 और A8 प्लस का कैमरा गैलेक्सी S9 और S9 प्लस के कैमरा जैसा दिखेगा। उसके बाद नंबर 3 है डॉल्बी एटमॉस। अगर आप एक म्यूजिक लवर हैं तो ये फीचर आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि डॉल्बी एटमॉस हमारे म्यूजिक सुनने के अनुभव को काफ़ी शानदार बना देता है। तो इस नए अपडेट में गैलेक्सी A8 और A8 प्लस में भी आपको डॉल्बी एटमॉस का फीचर मिल जाएगा और आप म्यूजिक का पूरा आनंद उठा पाएंगे। उसके बाद नंबर 4 है सिक्योरिटी पेच लेवल। इस अपडेट के जरिए गैलेक्सी A8 और A8 प्लस को जुलाई 2018 सिक्योरिटी पेच लेवल मिला है, यानी कि इस अपडेट के बाद आपके डिवाइस की सिक्योरिटी अप टू डेट हो जाएगी, क्योंकि ये इस वक्त का सबसे लेटेस्ट और सिक्योर पेच लेवल है। नंबर 5 है सैमसंग एक्सपीरियंस वर्जन। दोस्तों, इस नए अपडेट में सैमसंग एक्सपीरियंस 9.5 यूजर इंटरफेस भी शामिल है, यानी कि इस अपडेट के बाद आपको गैलेक्सी A8 और A8 प्लस में भी शानदार यूजर इंटरफेस मिलने वाला है। उसके बाद नंबर 6 है बग फिक्सेस। जैसा कि आपको पता ही है, कंपनी हर अपडेट में अपने डिवाइस के बग्स को फिक्स करती है, ठीक उसी तरह इस अपडेट में भी गैलेक्सी A8 और A8 प्लस के कुछ बग्स को फिक्स किया गया है और इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद आप इस चीज़ को महसूस कर पाएंगे। उसके बाद नंबर 7 है इम्प्रूवमेंट्स इन डिवाइस स्टेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस। हर अपडेट की तरह इस अपडेट में भी गैलेक्सी A8 और A8 प्लस की स्टेबिलिटी और परफॉर्मेंस को सुधारा गया है। कंपनी के मुताबिक इस अपडेट के बाद डिवाइस पहले के मुकाबले ज़्यादा फास्ट और स्मूथली काम करेगा, साथ ही बैटरी कंजप्शन भी कम हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था सैमसंग गैलेक्सी A8 और A8 प्लस के ओरियो अपडेट पर एक छोटा सा वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल टेक मास्टर मुंशी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटी का आइकन दिखाई दे उसको भी प्रेस कर दीजिए,
ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और मन में कोई बात हो तो नीचे जाकर कमेंट कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। इस चैनल पर आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज मिलते रहेंगे। और सबसे जरूरी बात, ये जो ऊपर राइट कॉर्नर में आई का बटन है, इसको ओपन करके देखा करो यार, यहाँ आपको हमेशा टॉप 5 वीडियोज मिलेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।